नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कल क्या हुआ था और कौन सी वो नोटिस करने वाली चीज़ थी जिसे स्टूडेंट्स ने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कल। तो देखो, कल सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे, पोस्टपोन होंगे, क्या आएगा, क्या डिसीजन रहेगा। तो कल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, उनकी एक मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग, जो कि स्टेट के एजुकेशन ऑफिशियल्स के साथ थी। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस आने वाले थे, मतलब स्टूडेंट्स जो है वो लिटरली इंतज़ार कर रहे थे, टकटकी लगाकर बैठे थे कि क्या डिसीजन आने वाला है हमारे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। ट्विटर पर नंबर वन ट्रेंड चल रहा था, मोदी जी कैंसिल 12th बोर्ड्स। तो एक इस तरह का एनवायरनमेंट कल बन चुका था, लेकिन जब मीटिंग हुई, जब सब कुछ हो गया, तो जिस तरह का डिसीजन आया, तो मतलब मुझे वो सलमान भाई की डायलॉग जो है वो याद आ गया कि मतलब मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। सो लाइक गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम लोग ऐसा डिसीजन देंगे कि हमको डिसीजन ही नहीं देंगे। सही, होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनके ट्वीट से मुझे पता चला, लेकिन आप लोगों ने शायद उसे इग्नोर कर दिया। तो देखो, यहाँ पर उनके कल के ट्वीट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कैसे है मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आई मेट स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन, ऑनलाइन एजुकेशन एंड वर्क अराउंड NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसी की रिकमेंडेशन है, CU SET उसी की रिकमेंडेशन है कि आपकी ग्रेजुएशन जो है वो 4 ईयर्स की हो जाएगी। तो इस ट्वीट के अंदर यही लिखा है, आई मेट स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन, ऑनलाइन एजुकेशन एंड वर्क अराउंड NEP। इसके साथ साथ देखिए एक ट्वीट और है, इससे ऊपर जो आपको ट्वीट दिख रहा है उसके अंदर क्या लिखा है, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट अटल अकेडमी इज वर्किंग टुवर्ड्स NEP एंड ट्रेनिंग फैकल्टी मेंबर्स अक्रॉस द नेशन। इसके बाद लिखा है, आई अर्ज द रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स टू वर्क अराउंड NEP इंप्लीमेंटेशन। मैं अर्ज करता हूं दूसरे इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स से कि वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए अपना काम करें। सो इस तरह की चीजें हैं, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी की रिकमेंडेशन CU SET है और इसी के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जो कि एक या डेढ़ महीने पहले की है। तो उसके अंदर भी लिखा है, सबसे लास्ट लाइन आप पढ़िए, सबसे लास्ट में जो लिखा है, द सीयू सेट वॉज ऑल्सो अ सजेशन प्रोवाइडेड इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सीयू सेट भी इसी का एक सजेशन है। और इससे पहले लिखा है कि जो आपका ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर्स की कर दी जाएगी और इसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे एग्जिट्स होंगे, बहुत सारे एग्जिट्स ओपन हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो इस तरह का वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया है। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, यहां पर जो आपको ये ट्वीट दिख रहा है, ये रीट्वीट किया है CBSE के ऑफिशियल पेज से। CBSE के ऑफिशियल पेज से जो रीट्वीट किया गया है उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हेल्ड अ वर्चुअल मीटिंग विद ऑल स्टेट एजुकेशनल सेक्रेटरीज टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन, ऑनलाइन एजुकेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कल डिस्कस हुआ है और किस तरह से वो इंप्लीमेंट की जा सकती है। अब मैं यहां पर मेरा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखने वाला हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टेन चीजें हैं, किसी को नहीं पता सीयू सेट का होगा नहीं होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से इंप्लीमेंट होगी, बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होंगे, पोस्टपोन होंगे या फिर क्या होंगे। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन चीज़ें हैं, कोविड के केसेस पर डिपेंड करता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। तो अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा है इस मोमेंट पर। आपको क्या करना चाहिए, आपको पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते रहो, एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते रहो, जो भी आप फिलहाल अपने पेस से कर रहे हो, अपनी स्पीड से कर रहे हो, उसको उसी तरह से मेंटेन रखिए जब तक ऑफिशियल नोटिस कोई नहीं आता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि मतलब जिस तरह से ट्विटर पर ट्रेंड चला था कैंसिल 12th बोर्ड्स, तो देखिए उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई, किसी भी तरह की कोई न्यूज नहीं आई। तो इसका मतलब यही है कि अभी तक कोई भी कैंसिलेशन की कंफर्मेशन नहीं है किसी भी तरह की। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम जो पोस्टपोन पहले किए गए थे वही आपके लिए ऑफिशियल नोटिस है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद और नोटिस आए, पोस्टपोन हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं या फिर कब होने वाले हैं, तो वो आपको ऑफिशियली पता ही चलेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज आपने मिस की थी वो थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड सीयू सेट इज अ रिकमेंडेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। और
आप क्या सोचते हैं इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम लोग इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं उसके बारे में बात करते रहेंगे। क्योंकि देखिए, हर इंसान कल ये सोच रहा था कि उनके जो ट्वीट्स होंगे उनके अंदर हमें 12th क्लास बोर्ड कैंसिल इस तरह के वर्ड्स दिखने वाले हैं, लेकिन उस तरह का कोई भी वर्ड नहीं दिखा। तो हम लोगों ने मतलब एक तरह से मान लिया कि ये बेकार ट्वीट्स हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, इंप्लीमेंटेशन को लेकर, तो उसको हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हम लोग सिर्फ ढूंढ रहे थे 12th CBSE बोर्ड। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ आई होप आप सभी को पता है कि हम लोगों के क्रैश कोर्स है BBA BMS और IPM के लिए। सो अगर आप DU JET क्रैक करना चाहते हो, IPMET क्रैक करना चाहते हो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी क्रैक करना चाहते हो, या फिर IPU सेट क्रैक करना चाहते हो, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं BBA BMS और IPM के, अगर आप उन सभी को क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल फैकल्टी मिलती है, 150+ आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, GK वर्बल LRDI एंड क्वांट्स के 260 टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, 10+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, हर रोज किस तरह से पढ़ाई करनी है। सो आप लोग भी एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे, एंड देन उसके बाद अगर आपको डेमो वीडियोज पसंद आती है तभी आप कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। और देखिए, बहुत बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि CU SET का कोर्स चाहिए हमें, CU SET का। भाई CU SET अभी कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म होगा उसके बाद क्रैश कोर्स आएगा, अभी कंफर्म नहीं है, अभी उसका कोई भी क्रैश कोर्स नहीं है। सो अगर आप एक BBA BMS और IPM के एस्पायरिंग स्टूडेंट है तभी आप हमारे पास टेक्स्ट कीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।